अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हैं तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की अगर बात करें तो एक के बाद एक नई फिल्में अपने फैंस के लिए लाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच सलमान के शो बिग बॉस पर अपनी फिल्म प्रमोट करने पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भोजपुरी भाषा का अपमान कर दिया था। उन्होंने एक डायलॉग बोले जाने पे कहा कि मुझे लेटरिंग जैसी फीलिंग आती। इस बात पर काफी विवादों में रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा। अभी तक मनोज तिवारी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा पर एफआईआर दर्ज कराया था। अब खेसारी लाल यादव ने दिया है सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर बड़ा बयान। हालिया इंटरव्यू के बाद खेसारी लाल यादव ने बड़ी बात कही सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर। उन्होंने कहा कि कौन है सिद्धार्थ मल्होत्रा, मैं नहीं जानता हूं सिद्धार्थ मल्होत्रा को। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की औकात मेरे साथ बैठने की नहीं है, इसकी औकात कैसे हो गई भोजपुरी भाषा का मजाक उड़ाने की। उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा जाओ जिस मर्जी शहर में चले जाओ, आपको बिहार यूपी के ही आईपीएस ऑफिसर मिलेंगे। उन्होंने बहुत सी सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा तुम्हारी औकात नहीं है भोजपुरी भाषा बोलने की। बॉलीवुड में भोजपुरी भाषा के ऊपर जितने भी फिल्में बनी सभी सुपर डुपर हिट रही। और भी उन्होंने बहुत सी बातें कही भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। ऐसा कहने पर खेसारी लाल यादव को बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी अगर एफआईआर अभी तक नहीं करवाते तो मैं उनके ऊपर एफआईआर कराता। उनकी औकात नहीं है, उन्हें 5-7 करोड़ लोग जानते हैं, मुझे 35 करोड़ लोग जानते हैं, ये सही नहीं है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने उनको खूब लितड़ा, जो कि सही है, क्योंकि खेसारी लाल यादव का मानना है कि भोजपुरी भाषा का ऐसे ही कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। उन्होंने सलमान को लेकर भी काफी बड़ी बात की। उन्होंने कहा सलमान खान भी आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बने हैं, वो ऐसी जरूरत नहीं करते, लेकिन आप कौन होते उसी जरूरत करने वाले। खेसारी लाल यादव ने कहा कि सलमान खान की पहचान सलमान की बहुचर्चित फिल्म दबंग से हुई, और दबंग जो कि भोजपुरी भाषा पर आधारित थी, लोगों ने काफी फिल्म पसंद की। तो जितनी भी बॉलीवुड में भोजपुरी के ऊपर फिल्में बनती हैं सभी सुपर डुपर हिट होती, चाहे वो पीके हो, चाहे बजरंगी भाईजान हो, चाहे कई और फिल्में हो। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव को लेकर आपका क्या कहना है? भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार ने आखिरकार सिद्धार्थ मल्होत्रा को बड़ी खरी सुनाई, और ऐसा ही होना चाहिए जो भोजपुरी भाषा का मजाक बनाए।